बढ़ती चोरी की वारदात से परेशान पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद चोरों को पकड़कर पूर्व में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसमें आरोपी के पास से सोना चांदी के आभूषण और नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। दरअसल बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में पिछले दिनों एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ चोरियां हुई थी, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अचानक बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण कुमार रंजन और सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने एक टीम का गठन किया। पुलिस का दावा है कि टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोरी के माल का बंटवारा करते समय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाके में आधा दर्जन से अधिक चोरी की ताबड़तोड़ वारदात हुई थी, जिसमें से पुलिस ने तीन चोरी का खुलासा करते हुए माल बरामद करने का दावा किया है और जल्द ही अन्य चोरियों का भी खुलासा करने का पुलिस दावा कर रही है। पुलिस की इस कार्यशैली पर भी जनता खुलासे को लेकर दोनों अधिकारियों पर उम्मीद लगाए बैठी थी, जो अपनी उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से जनता में गिरते हुए पुलिस के विश्वास को पुलिस के इन आला अधिकारियों ने बचा लिया है। ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण कुमार रंजन ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। विगत दिनों कस्बा नजीबाबाद में लगातार तीन चोरियां हुई, जो मोहल्ला आदर्श नगर, कुंवर कॉलोनी और आरक्षीपुरम में। हमारी नजीबाबाद थाना पुलिस लगातार इस चोरी खुलासे के लिए लगी हुई थी। तमाम सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की गई, उसके आधार पर जो अभियुक्त प्रकाश में आए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था। रात 12:15 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना मिली कि तेल डिपो के पास एक खंडार है, वहां पे लोग लड़के देखे गए हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस पहुंची तो विगत दिनों चोरी किए गए जो माल थे उसके बंटवारे कर रहे थे उसका ये लोग। उसमें से एक अजहर, जो कि कस्बा नजीबाबाद का निवासी है, वो पकड़ा गया। उसने बताया तीन साथी उसके और थे जो कि बाल अपचारी हैं। इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए, जो जिनके घरों से चोरी हुई थी उन्होंने माल को देख के अपने पहचाना। अजहर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। तीनों इनके साथी जो बाल अपचारी हैं उनको भी जेल भेजा जा रहा है। टाइम 24 न्यूज के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।